बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको छंद और अलंकार पढ़ाया था। आपके कोर्स में बच्चों उतना ही है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हिंदी की एक किताब है, वह चार खंडों में विभाजित है, गद्य, पद्य, संस्कृत और एकांकी। आज हम आपको संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। तेजो असि तेजोमयी देही, वीर्यमसि वीर्यमयी देही, बलम असि बलमयी देही, ओजो असि ओजोमयी देही। बच्चों, सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वंदना नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। अब बच्चों, आप इसका अर्थ लिखोगे। तेजो असि मतलब तेज स्वरूप, तेज मतलब तेज, मई मतलब मुझ में, देही मतलब धारण करना, वीर्य असि मतलब पराक्रम स्वरूप, बलम असि मतलब बल स्वरूप। भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण करो। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण करो। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण करो। तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में भी ओज धारण करो। हम आपको दूसरा श्लोक बताने चल रहे हैं। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मित्रो नामितम गमय। बच्चों, वंदना पाठ के सभी श्लोक का संदर्भ एक ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वंदना नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। संस्कृत में बस आपको संदर्भ और अर्थ लिखना रहता है। अस्तो मतलब असत से, गमे मतलब ले चलना, तमसो मतलब अंधकार से, ज्योतिर मतलब प्रकाश। हे ईश्वर, आप हमें असत से सत की ओर ले चलो, आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, आप हमें मृत्यु से अमृत्व की ओर ले चलो। यतो यतः समीहसे, ततो न अभ्यम कुरु, शना कुरु प्रजाभ्यो, अभयम न पशुभ्य। यतो यतः मतलब जिस जिस से, समीहसे मतलब चाहते हो या जानते हो, ततो मतलब उस से, अभय मतलब निडर, नो मतलब नहीं, कुरु मतलब करो, शना मतलब कल्याण, प्रजाभ्यो मतलब प्रजा, पशुभ्य मतलब पशु, अभय मतलब निडर। हे ईश्वर, आप जिस जिस से जानते हो, चाहते हो कि मेरे ऊपर संकट आने वाला है, उससे हमें निडर करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारे पशु कभी भी किसी से डरे नहीं। बच्चों, अब हम वंदना पाठ का चौथा श्लोक आपको पढ़ाने चल रहे हैं। नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम्। बच्चों, इस श्लोक में ध्यान दीजिएगा, दो लाइनों का अर्थ लगभग लगभग एक ही है। नमो मतलब नमस्कार, ब्रह्माणे मतलब ब्रह्म को, त्वमेव मतलब तुम, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, वदिष्याम मतलब बोलूंगा कहूंगा, ऋतम मतलब वास्तविक सच्चाई, तन्मा अवतु, तन्मा तद मतलब तब, अवतु मतलब रक्षा करना, वक्ता मतलब प्रार्थना करने वाले की स्तुति करने
वाले की। माम मतलब मेरी। हे ब्रह्म को नमस्कार है, तुम्ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, तुम्ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलूँगा, तुम्ही को वास्तविक सच्चाई कहूँगा, तुम्ही को सत्य कहूँगा। तब आप मेरी रक्षा करें, प्रार्थना करने वाले की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। जो अब हम वंदना पाठ का 5वां श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यव्रतम मतलब सत्य व्रत का पालन करने वाले। सत्य परम मतलब सत्य में तत्पर अर्थात सत्यनिष्ठ। त्रिसत्य मतलब तीनों कालों में सत्य, भूत वर्तमान भविष्य। सत्यस्य मतलब सत्य में, योनि मतलब उत्पन्न हुए, च मतलब और। सत्यस्य मतलब सत्य के भी सत्य अर्थात पंच महाभूतों का नाश होने पर भी सत्य। सत्य नेत्रम मतलब प्रवर्तक। सत्यात्मकम मतलब ईश्वर, त्वाम मतलब तुम्हारी, प्रपन्ना मतलब प्राप्त हुए। सत्य व्रत का पालन करने वाले, सत्य में तत्पर, तीनों कालों में सत्य, सत्य में ही उत्पन्न और सत्य में ही निहित। सत्य के भी सत्य, वास्तविक सच्चाई, सत्य के प्रवर्तक। हे ईश्वर, हम तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए हैं, मेरी रक्षा करें। जो आपका संस्कृत का एक पाठ खत्म हो गया है, इसमें से आपका अर्थ लिखने को आता है, प्रश्न उत्तर लिखने को आता है और जो आपने अर्थ पढ़ा है उसी से संबंधित अनुवाद आता है। अगर आपको अर्थ आता है तो आप प्रश्न उत्तर और अनुवाद आप अपने से कर सकते हो। और आपको जो पीछे एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्याकरण पोर्शन में भी जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना ही आपके कोर्स में है, अलग से आपको नहीं पढ़ना है। पिछली कक्षा में पद्य खंड से आपको कबीरदास की व्याख्या पढ़ाई थी। आज हम पाठ 2 मीराबाई का जीवन परिचय आपको पढ़ाने चल रहे हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की पुत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, जिसके कारण वह अपने पितामह राव दूदा जी के घर में थी। राव दूदा जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसका प्रभाव मीराबाई जी में पड़ा। मीराबाई 8 वर्ष में ही श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था और श्री कृष्ण यह बात कोई जान नहीं सका। श्री कृष्ण की इतनी प्रेम की दीवानी थी कि वह उनसे संबंधित पदों को गाया करती थी और उनको बहुत संसार से विरक्त हो गया। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, उन्हीं से संबंधित पदों को गाया करती थी। राजा राणा के दुर्व्यवहार से वह बहुत अधिक दुखी हो गई थी, इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि वह अपने ससुराल को छोड़कर वृंदावन चली गई थी। वहीं साधु संतों के संगत में रहती थी। जब वह बहुत अधिक संसार में प्रसिद्ध हो गई तो राजा राणा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वह मीराबाई को बुलाना चाहते थे लेकिन मीराबाई जी सांसारिक विरक्त हो गई थी, संसार से उनका कोई मोह नहीं था, इसलिए वह वापस नहीं आई। कहा जाता है कि हर तुम हर जन की पीठ गाते गाते 1516 ईस्वी में उनका निधन हो गया था।
अब बच्चों, इस जीवन परिचय के साथ साथ आपसे रचनाएं पूछी जाती हैं। मीराबाई की रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, राग सौठों के पद, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्लार, गरबा गीत, राग व्याग तथा फुटकर पद इनकी प्रसिद्ध रचना हैं। बच्चों, इन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके सभी पद गे पदों में गाए गए हैं और मुक्तक शैली का प्रयोग किया है इन्होंने।